अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा एक सवाल है। मैं राजस्थान जोधपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हम्माद है। हम मार्बल का काम करते हैं। जो घरों में मार्बल टाइल लगती है तो उसके अंदर कभी कभार घरों के अंदर गैर मुस्लिम का भी काम करते हैं तो उसमें मंदिर बनाना पड़ता है, तो मंदिर की जगह पर प्लास्टर टाइल मार्बल लगाना पड़ता है, तो क्या वो लगाना सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में वाजा कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन। ये हमारे एक भाई साहब हैं, हम्माद साहब, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम मार्बल वगैरह लगाते हैं, घरों में काम करते हैं, तो कभी हमें किसी घर में काम करना होता है, घर बनाते हैं, लेकिन घर पे छोटी सी एक मंदिर बनानी पड़ती है जिसमें पूजा करते हैं, भूत वगैरह रहता है उसकी पूजा करते हैं। तो इनका कहना है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। भाई, ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक आदमी मुसलमान है तो मुसलमान होने का मतलब ये है कि वो बुत परस्ती नहीं करेगा और ना उस सिलसिले में किसी का तआवुन करेगा। तो जो चीज़ गुनाह है बल्कि इस्लाम और तौहीद के आयन खिलाफ है। इस्लाम की तो ये तालीम है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना, ज़मीन पे किसी की इबादत नहीं करना, किसी मूर्ति की कोई इबादत नहीं करना, और इस काम में किसी का सपोर्ट भी नहीं करना। भाई, जो गलत है इस्लाम की नज़र में, जो गलत है वो ना आप करेंगे और ना किसी के लिए आप करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, कि सरकशी और गुनाह पर एक दूसरे का ताउन नहीं करना चाहिए। सरकशी और गुनाह पे किसी का जो है ताउन नहीं करना चाहिए, तो ये गुनाह का काम है, इसलिए मदद नहीं करना चाहिए। और सही मुस्लिम की रवायत है कि मनसन सुनतन सईयतन, जो कोई बुरा रास्ता अख्तियार करता है, तो बुरा रास्ता अगर कोई शुरू करता है तो बाद में जो लोग चलते हैं उस रास्ते पर, तो उनके चलने की वजह से भी ये शख्स जिसने बुराई की शुरुआत की है इसको भी गुनाह मिलता है। बिल्कुल जैसे खैर के मामले में, मंदल खैर, जो किसी खैर की तरफ रहनुमाई करता है, अच्छे काम की तरफ, तो जो लोग वो अच्छे काम करते हैं उनको सवाब मिलता है, जो रहनुमाई किया उसको भी सवाब मिलता है। तो ऐसे अगर कोई आदमी कोई बुरी चीज़ अंजाम देता है, कोई गलत चीज़ बनाता है, तो बाद में जो लोग वो गलती करते हैं उनको तो गुनाह मिलता है, लेकिन इस शख्स ने बुनियाद डाली है, तासीर डाली है, इस शख्स ने जो है उसमें हिस्सा बटाया है, तो इसको भी गुनाह मिलता रहेगा, इल्ला कि आदमी सच्चे दिल से तौबा कर ले। तो ऐसा कोई भी मुनकर काम नहीं करना चाहिए कि जिस पर गुनाह जारी रहे और खाम खाए आपको उसका गुनाह मिलता रहे। मस्जिद आप देखें, मस्जिद आप बना देंगे तो लोग जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। कोई भी आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। ऐसे जब गलत काम कोई करता है तो फिर वहां से वो गलत काम जितना फरोख पाता है वो सब के साथ साथ गुनाह भी लिखा जाता है। इसलिए ये काम आपको नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपने पूछा है, क्योंकि कुरान ने मना किया है गुनाहों में किसी के साथ ताउन करने का, और हदीस में भी वार्न किया गया सही मुस्लिम की हदीस से, कोई गलत चीज़ की बुनियाद डालोगे तो बाद में जो लोग भी करेंगे उनके साथ जो है तुम्हें भी गुनाह मिलता रहेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।